हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कंप्लीटेड आई लुक। तो इसमें मैंने दिखाया है कि कंसीलर कैसे अप्लाई करते हैं, आई शेडो वगैरह कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो और आपको नहीं पता कि कैसे कौन कौन से स्टेप कैसे कैसे फॉलो करें, तो इस वीडियो में मैंने डिटेल आई मेकअप लुक आप लोग के साथ में शेयर किया है। तो इस वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक का देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी अपने आईब्रोज से। तो मैंने आईब्रोज को फिल करने के लिए डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करके मैं अपने आईब्रोज को यहाँ पर फिल करूँगी एक एंगल ब्रश के हेल्प से। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर जेल आईलाइनर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। तो म्यूज़िक फ्लाई में जो आता है, एक आता है डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड आपको मिलता है, उसमें दो कॉम्बो मिलता है। तो आप जो डार्क ब्राउन आपको मिलता है, आप उससे अपने आईब्रोज़ को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी, अपने जहाँ पे मेरे गैप्स में बस उसी में फिल करूँगी। और मैं जो मेरी नेचुरल जो शेप है आईब्रो की, मैं वही शेप को मेनटेन करते हुए ही यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी। मैं ज़्यादा ओवर ड्रॉ यहाँ पर फिल नहीं करूँगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में बारी आती है अपने आई बेस की। तो आई बेस के लिए आप चाहो तो कंसीलर अप्लाई कर सकते हो, या आई बेस वगैरह भी आते हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन और आप बेबी क्रीम या फाउंडेशन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है गाइस, ये आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करता है। अगर आपके डार्क सर्कल वगैरह हो या डार्क पिगमेंट वगैरह हो, तो इससे कैंसिल ये उन सबको कैंसिल आउट कर देता है, आपको एक अच्छा बेस प्रोवाइड करता है। और ये बहुत ही लो बजट में 150 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसे सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने यहाँ पे क्रीज लाइन पड़ जाएगी तो फिर वो बहुत ही गंदा दिखता है। तो इसकी वजह से आप कभी भी कंसीलर या फाउंडेशन वगैरह को हमेशा आप किसी भी कॉम्पैक्ट वगैरह के हेल्प से सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ आई मेकअप ब्रशेस। तो ये सबसे पहले ब्लेंडिंग ब्रश होता है, फिर उससे फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश होता है, फिर ये पेंसिल ब्रश मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। और ये छोटा सा पेंसिल ब्रश होता है जिसके हेल्प से आप इनर कॉर्नर वगैरह को अप्लाई कर सकते हो। ये फ्लैट ब्रश है। आपको इस तरीके का ब्रश आपको आई मेकअप के लिए चाहिए होगा। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, अगर आपको बाय करना है तो आप वहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ये ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और इसके हेल्प से मैं अपने अप्लाई करूँगी ये ब्राउन आई शेडो। मैंने अप्लाई किया है अपने क्रीज लाइन पे। तो क्रीज लाइन क्या होती है, जब आप अपने आई को बंद करते हो तो जो लाइन पड़ती है तो उसको क्रीज लाइन बोलते हैं। तो मैं वहाँ पे अपने एज अ ट्रांजेक्शन कलर अप्लाई करूँगी। फिर उसी शेड को मैंने अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई किया है। और साथ ही साथ मैं उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ, अप्लाई भी कर रही हूँ उसी ब्रश से, और उसी ब्रश से मैं उसको ब्लेंड भी करूँगी ताकि हार्शनेस वगैरह ना दिखाए मेकअप में। फिर उसके बाद मैंने दोबारा एक क्लीन फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उसके हेल्प से मैं अपने सारे आई शेडो को ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई भी हार्शनेस वगैरह ना दिखे आई लुक में। फिर उसके बाद मैंने ये पेंसिल ब्रश लिया है और इसके हेल्प से मैं एक ब्लैक आई शेडो अप्लाई करूँगी अपने आउटर कॉर्नर पे। आप चाहो तो ये इसके स्टेप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं डेप्थ देने के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। तो आप ब्लैक आई शेडो की जगह पे डार्क ब्राउन आई शेडो पर अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने दोबारा वापस से ब्लेंड कर रही हूँ मैं यहाँ पे मैंने ब्लैक आई शेडो लगाया था, वहाँ पे हार्शनेस हो गया था, तो उसको मैं वापस से ब्लेंड कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टेप रिमूव कर दिया, आप देख सकते हो कितना नीट क्लीन आया है लुक। फिर उसके बाद मैंने ये गोल्डन कलर लिया है, ब्रॉन्जी गोल्डन कलर है ये। तो इसके हेल्प से मैं अपने आईलिड पर लगाऊँगी, इसको मैं पूरा अपने आईलिड पर लगाऊँगी। Thank you.
फिर नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी हाइलाइटर अपने ब्राउ बोन पर और अपने इनर कॉर्नर पे हाइलाइट अप्लाई करूँगी। आप कभी भी हाइलाइटर अप्लाई करो तो अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपना हाइलाइटर अप्लाई करो। फिर उसके बाद मैंने वही डार्क ब्राउन आई शेडो एक पेंसिल ब्रश के हेल्प से अपने लोअर लैश पे लगाऊंगी। ये स्टेप काफ़ी लोग करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से उनका आई मेकअप कंप्लीट नहीं दिखता है। फिर उसके बाद मैंने फॉल्स आईलैश अप्लाई कर लिया है और मैंने लाइनर अप्लाई किया था विंग आईलाइनर जिसका क्लिप मेरे से डिलीट हो गया है, इस वजह से मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइज़।